हेलो स्टूडेंट क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5, सब्जेक्ट। चैप्टर नेम इज प्यारे और निराली जीव, सब्जेक्ट इज हिंदी रीडर। हिंदी रीडर का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्यारे और निराली जीव। ये एक पत्र है जो एक चाचा अपने भतीजे वैभव को लिखते हैं और बताते हैं कि जीवों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में उन्होंने इस पत्र में अपने भतीजे को समझाया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर प्यारे और निराले जीव। F96/2 अशोकनगर श्रीनगर 15/3/2019। प्रिय वैभव, 150 रुपये। यहाँ पर उन्होंने उसका एड्रेस दिया और उनके भतीजे का नाम वैभव है जिसको वो पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उसको प्यार भेजा है। आशा है घर पर सब कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल और सब्जियाँ खा ली थी। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में ये क्यों घुस रहे हैं। तो वो बताते हैं कि तुमने पिछले पत्र में लिखा था कि जो बंदर थे वो घर में घुस गए थे और फ्रिज खोल कर सारी फल और सब्जियाँ खा ली थी। तो वो कहते हैं कि लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जो बंदर हैं ये हमारे घरों में या हमारे कॉलोनियों में क्यों आते हैं, हमारे घरों पे क्यों आते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने पेड़ पौधे काट के इनसे इनका घर छीन लिया है, जंगल काट के इनसे इनका घर छीन लिया। तो ये क्या करेंगे, हमारे घर में आएंगे। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दूभर करने वाले हम ही तो हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया, एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशु पक्षी निर्भर थे हमने उन्हें नष्ट कर दिया। तो अब तुम्हें बताओ वे कहाँ जाएंगे, इसलिए बंदर अब लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम जंगल काटोगे, उनके घर छीनोगे, तो वो तुम्हारे घरों में भी इसी तरह आएंगे। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गाय कूड़ा करकट पॉलीथीन के थैले और पैकेट खा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को विश्व जीव कल्याण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम उसमें ये इसलिए दिखाया जाता है या मनाया जाता है ताकि हम जीवों के जानवरों के प्रति कृष्टों उनका ध्यान रखने के लिए हमारे मन में उनके लिए जो क्रूरता का व्यवहार है वो बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन प्यारे निराले जीवों पर लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। शहर की गलियों में भूखी गाय घूमती रहती हैं और पोलोथीन और कूड़ा करकट खा रही हैं और बीमार हो रही हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडो, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो मर गए। क्या तुम बता सकते हो? तो डोडो एक पक्षी होता था, कबूतरों की बिरादरी का होता था और बत्तख से थोड़ा बड़ा होता था। तो वो जो था वो अब विलुप्त हो चुका, यानी कि वो अब नहीं रहा, अब वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो विनाश हो चुकी हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने उनसे उनके घर छीन लिए, कूड़ा करकट इतना फेंकते हैं, जानवर उन्हें खा के बीमार होते हैं, नदियों में समुद्रों में घूमने जाते हैं लोग, वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, और जो पानी के जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो उनको खाती हैं और बीमार हो जाती हैं और मर जाती हैं। जानते हो वैभव, डोडो एक पक्षी था, कबूतरों की बिरादरी का था, लेकिन बत्तख से भी बड़ा और भारी था। वह उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन सन 1507 में पुर्तगाल के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने भोले बाले डोडो को मारकर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है। सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल जो चित्र देख सकते हो। तो वो बताते हैं कि जो डोडो था वो कबूतर जैसा था, उससे बत्तख से बड़ा था और लोग उसको मारकर खा गए, जो पुर्तगाल के लोग थे वो मारकर खा गए। तो धीरे धीरे उनकी जो पूरी प्रजाति थी ख़त्म हो गई और आज वो केवल किताबों में देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसकी सुंदर खाल के लिए। शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में। हमारे देश में एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम में जंगल में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन भी संकट में है। तो वो इस पत्र में अपने भतीजे को बताते हैं कि किस प्रकार जो जानवर की प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। वो बताते हैं कि हमारे देश में बाघ और शेर, चीते की और शेर की खाल जो है वो उसको लेने के लिए बहुत
काम आती है, बहुत महंगी बिकती हैं, तो उसका व्यापार करने के लिए लोग चीते को और शेर को मार देते हैं, तो उनकी प्रजातियां भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। एक सींग वाला गैंडा जिसकी नाक पर सींग होता है वो भी विलुप्त होने के कगार पे है, बहुत कम रह गए हैं। इसी तरह जो लाल पांडा है वो भी विलुप्त हो रहा है, उसका जीवन भी संकट में है। हिमालय के भूरे वालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा, चौसिंग, मृग, रेगिस्तान की बिल्लियां, गंगा की सूस वाली डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़, कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर, सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध अब आसमान में नजर नहीं आते, कहाँ तक गिनाऊं। तो वो कहते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवरों के ऊपर नाम गिनाते हैं कि जो विलुप्ति की कगार पे हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले जानवर हो, चाहे वो धरती पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले जानवर हो, क्योंकि इंसान ने जंगल के साथ साथ नदियों को भी ख़त्म कर दिया है, उनको गंदा कर दिया। नदियां भी आजकल क्या हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं, बहुत गंदा पानी जाता है, तो जो जानवर नदियों में रहते हैं वो भी मर रहे हैं। ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की हमारी सहायता करते हैं। एक बार यह संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो उससे अनेक समस्या पैदा हो जाएंगी। मांसाहारी की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते हो कि वन या पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे से चैन बनाते हैं, यानी कि संतुलन बनाते हैं, प्रकृति का संतुलन। यानी कि जो जंगली जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो शाकाहारी जानवरों को मारते हैं, और जो शाकाहारी जानवर हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं। लेकिन इनमें से अगर एक भी जानवर जो है वो विलुप्त हो गया तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। मांसाहारी की तबाही से अगर हम मांसाहारी जानवरों को मारेंगे तो फिर शाकाहारी जो जानवर है उनको खाने वाला कोई नहीं होगा, तो शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे। जब शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे तो वो पेड़ पौधों को खाएंगे, तो वो पेड़ पौधे जो होंगे वो कम हो जाएंगे, और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभ्यारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। भारत जो है वो पहला देश है जहाँ पर जंगली जानवरों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मतलब है वह कानून जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया है। तो भारत वो पहला देश है जहाँ पर ये कानून बना था। WWF जैसी संस्था वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवन के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। तो वो कह रहा है कि भारत में जो कानून है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो WWF वर्ल्ड वेलफेयर फेडरेशन जो है, ऐसी संस्थाएं जो है वन्य जीवों के वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है संरक्षण के लिए कार्यरत है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ वह आनंद उठा सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे दिल्ली आना है, तब इस विषय में ढेर सारी बातें करेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। भारत भारती को ढेर सारा प्यार, तुम्हारे मदन चाचा। तो इस पत्र से हमें क्या संदेश मिला, हमारे देश में अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं, इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है, इनका बचाव जो है वो हमारा कर्तव्य है। गवर्नमेंट ही सारे काम नहीं करेगी, कुछ काम हमें खुद से भी करने पड़ेंगे। तो ये जो है इसके आपके शब्द अर्थ और इसके प्रश्न उत्तर ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, इसके PDF में दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके जो अन्य एक्सरसाइजेज हैं जैसे रक्त स्थान हो गए और टिक राइट हो गए, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।